दुर्ग शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त अरुण वोरा जनता द्वारा की जा रही बार बार की शिकायतों पर औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की खामियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था, पार्किंग शुल्क ज्यादा लेने की शिकायत एवं शिशु हॉस्पिटल में पैसे लेन देन की शिकायत को लेकर काफी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य मंत्रियों को फोन के माध्यम से अस्पताल की लचर व्यवस्था की जानकारी दी। देखना है आने वाले समय में विधायक अरुण वोरा के औचक निरीक्षण की पहल पर दुर्ग जिला चिकित्सालय प्रबंधन क्या कदम उठाता है ताकि अस्पताल की साख बची रहे। यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है। यहाँ पर भारी अव्यवस्था है, डॉक्टर लोग भी समय पर नहीं रहते हैं। दूसरा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर लगा है लेकिन पानी नहीं है, शौचालय अस्त व्यस्त है, वहाँ से अंदर जाया नहीं जा सकता, शौचालय की भी दशा और दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा यहाँ के सिविल सर्जन महोदय से और CMHO से अनुरोध है कि वे बराबर यहाँ पर आए, मॉनिटरिंग करें किसी को, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्जिकल वार्ड, उसके 11 करोड़ रुपए की राशि हमने माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा स्वीकृत कराई। दूसरा, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसके लिए ऑक्सीजन के यहाँ पर